ग्लोबल संकेत नेगेटिव से न्यूट्रल साइड पर रख सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में 600 पॉइंट से ज्यादा की जो कमजोरी हुई है, हालांकि इस कमजोरी में एक अच्छी बात भी है कि गैमस्टॉप जैसे स्टॉक्स में अमेरिका के रॉबिन हुड्स का जो इंटरेस्ट बढ़ा है उस वजह से जो अमेरिकी बाजार गिरे वो परमानेंट नहीं है। वहां की सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज एंड कमीशन वो जल्दी एक्शन लेगा, लेने की तैयारी में है, तो मुझे लगता है कि उस लिहाज से वो एक शॉर्ट टर्म टेम्पररी ट्रिगर था जिसकी वजह से अमेरिका गिरा है, और यही वजह आप देखिए सुबह से डाउ फ्यूचर्स रिकवर करते हुए दिख रहे हैं। तो नेगेटिव से न्यूट्रल साइड पर आप रख सकते हैं आज के संकेतों को। एफआईएस की तरफ से संकेत नेगेटिव साइड पर है और अच्छे खासे नेगेटिव साइड पर है, बड़ी बिकवाली शुक्रवार को हुई है। घरेलू फंड्स के संकेत बड़े लंबे समय बाद पॉजिटिव साइड पर आते हुए दिखे। एक सबसे बढ़िया और इंटरेस्टिंग ट्रिगर आज के लिए वो वायदा कारोबार की तरफ से संकेत बड़े पॉजिटिव आते दिख रहे हैं। आज पॉजिटिव है। यस दीप, बाजार बजट में जाने से पहले बेहद हल्का है। अरे वाह, ये एक अच्छा संकेत है। ट्रेंड न्यूट्रल है और सेंटीमेंट थोड़ा सा सावधानी भरा, बजट के दिन तो होना ही चाहिए। बिल्कुल सर, पर इसका फायदा कैसे उठाना है ये आपसे जानना चाहूंगा मैं सर। पर पहले जरा ये बताएं कि आज के लिहाज से किस तरह के इंपॉर्टेंट जोन्स निकल कर आ रहे हैं बाजार में। देखिए मैं पहले आपको प्री बजट बता दूं। प्री बजट सिंपल एक ही चीज है, 13,450 13,500 मजबूत सपोर्ट जोन है। इनफैक्ट अगर गैप से खुल गए तो 13,550 13,500 मैं पहली कमजोरी बाजार में तब देखूंगा जब 13,550 के 500-550 के नीचे ट्रेड करना शुरू करे, तो अदरवाइज जितने पहले से कमजोर है उतनी ही है। नई कमजोरी नहीं है, तो 13,550 मेरे लिए बड़ा अहम लेवल है प्री बजट। फिर भी रेंज के हिसाब से चूंकि बजट का दिन है 13,450 13,550 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। ऊपर 13,725 13,825 पहली लेवल है, उसके बाद अगर पार हुए तो 13,925 के आसपास जाकर बजट से पहले हम रुक जाएंगे। ये आपके लिए निफ्टी पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। बैंक निफ्टी आपके लिए 30,150 30,250 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बजट से पहले। ऊपर 31,175 ये बजट से पहले की रेंज है जहां पर जाकर आप प्रॉफिट बुकिंग आते देखेंगे। शुक्रवार को भी आपने देखा एग्जैक्टली 31,000 के ऊपर टिके। एग्जैक्टली 500 पॉइंट 5 मिनट में पता ही नहीं चला। आप पलक झपके तब तक मतलब जो ये मतलब आप बजट के एक दिन पहले देख सकते हैं जो हमेशा होता है, तो वो वाला एक्शन आप देख चुके हैं। तो ये आपके लिए दोनों ही रेंज बजट से पहले की इम्पोर्टेंट, और मैं बहुत ज्यादा आज आपको रेंज में स्मॉल मीडियम बड़ी रेंज वो सब में नहीं पड़ रहा क्योंकि प्री बजट पोस्ट बजट एनालिसिस में अलग से करूंगा, लेकिन फिलहाल ये जो लेवल से इनको ध्यान में रखिए। सर जब जब एक एक लेवल देखते हैं तब तक फिर आप बताते हैं कि बाजार ने कुछ नया सिखाया। एब्सोल्युटली नहीं, लेकिन पोस्ट बजट के लिए पूरा एनालिसिस ये बात पक्की है। ठीक है सर, तो ये तो प्री बजट अप्रोच हो गई। अच्छा, इसमें एफआईएस की पोजीशनिंग क्या है और पीसीआर क्या संकेत दे रहा है? एफआईएस ने पोजीशनिंग वही 1% लॉन्ग बढ़ाया, कोई खास फर्क नहीं है। विक्स 4% बढ़कर आया, बजट से ठीक पहले बढ़ना लाजमी है। लेकिन हाँ दीप, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मेरे लिए कि पुट कॉल रेशियो 1 के नीचे। बजट के दिन अगर आपका पुट कॉल रेशियो 0.35 बेसिस पॉइंट यानी कि 1/3 कम होता है, इसका मतलब क्लियर कट है कि शुक्रवार को काफी लॉन्ग पोजीशंस कम हुई है, कुछ शॉर्ट्स बने, तो बाजार ओवरसोल्ड है। अब मेरे लिए ऐसा पुट कॉल रेशियो मुंह में पानी लाने वाला होता है कि ओवरसोल्ड मार्केट हो। प्रॉब्लम क्या होती है, ओवरसोल्ड मार्केट में सिर्फ आपको दो दिनों में बड़ा ध्यान रखना होता है। एक तो एक्सपायरी के दिन हर वक्त ये फॉर्मूला काम नहीं करता, दूसरा किसी बड़ी इवेंट के दिन। तो ये आज बड़ी इवेंट का दिन है, तो ओवरसोल्ड पीसीआर थोड़ा और ओवरसोल्ड हो सकता है, बड़ी बात नहीं। लेकिन ये बात अच्छी है कि इस बजट में बाजार हल्के, आज से 7 दिन पहले अगर बजट में आप जा रहे थे तो बहुत हैवी होते जी। और अच्छी खासी तेजी की पोजीशन के तो वहां पर अगर हल्का भी झटका लगे तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब लोग झटके खा चुके हैं, 1,000 पॉइंट जो निकले हम 5 दिनों में झटके खा चुके, तो सबसे बढ़िया बात आज बजट में सुबह सुबह ये कि बाजार बेहद 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 हल्के हैं, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तो रूम बनाकर तैयार है हम। ठीक है सर, एग्जिस्टिंग पोजीशंस क्या करें? 13,500 ये सिर्फ ये सारे लेवल बजट से पहले के जी सर। बजट से पहले 13,500 का स्टॉप लॉस रखिए और बैंक निफ्टी पर स्टॉप लॉस 30,000 का रखिए जी। अगर आप शॉर्ट हैं तो 13,825 बजट से पहले का आपका स्टॉप लॉस होगा और 31,200 बैंक निफ्टी पर होगा आपके लिए स्टॉप लॉस। ये प्री बजट वाली बात है। Okay. और बजट के बाद तो काम वैसे भी बजट की स्पीच के दौरान और बाद में तो शूरवीरों का काम है। खतरों के खिलाड़ी वही समझना है आपसे आज जो बस सर पे कफन बांध के निकलते हैं, कुछ तो करेंगे आज उन लोगों के लिए आज शॉर्ट्स में भी
शॉर्ट में भी 13,825 और 31,200, ये दो लेवल्स शॉर्ट में है, आपको जहां स्टॉप लॉसेस रखने हैं। चलिए, सीरीज का दूसरा दिन है सर, तो बैन में तो कोई स्टॉक नहीं है, पर फंड्स का डेटा जरा समझाएं, ये काफी इंटरेस्टिंग हो गया सर। 5,900 करोड़ की दमदार बिकवाली की है एफआईआई ने, और बड़ा नहीं सर, कुछ बड़ा है, बड़ा नहीं, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और बजट से ठीक पहले बिकवाली हुई, इंटरेस्टिंग है। सामने 2,500 करोड़ के आसपास की कैश की खरीदारी, लेकिन फिर भी मैं ये भी मान सकता हूँ कि बजट से पहले जाहिर सी बात है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग। सो इस डेटा को एब्सोल्यूट नंबर में नहीं लेंगे, देखेंगे बजट के बाद भी क्या बेचते हैं क्या, तो ये बजट के पहले की प्रॉफिट बुकिंग मान सकते हैं, या क्योंकि वायदा कारोबार में शॉर्ट्स नहीं बने, जो कुछ है कैश में बिकवाली हुई, तो कैश में बिकवाली प्योरली प्रॉफिट बुकिंग है। ओके, ठीक है, करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्रॉब्लम है तो भी क्या कर सकते हैं, है तो है, लेकिन भाई ठीक है, कुछ एफआईआई डीआईएस थोड़ा खरीद रहे हैं, हाँ थोड़ा खरीद रहे, वो मतलब हल्की रिलीफ वाली बात है, लेकिन ये पास डेटा आज काम के नहीं है, अग्रीड, आज के बाद आगे देखेंगे। पर जो आपने ये बात कही वायदा कारोबार आज पॉजिटिव है, ये कितना इंपॉर्टेंट है और क्या लेवल्स हैं यहाँ पर? दीप देखिए, पहली चीज ये कि डेटा बहुत कम है, मैंने जैसा बोला कि पोजीशन हल्की है, हल्की का मतलब ये नहीं कि सिर्फ तेजी की तरफ हल्की, तेजी मंदी दोनों तरफ हल्की है, क्योंकि आप हर एक स्ट्राइक प्राइस पर देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट बहुत कम है। पहला इंपॉर्टेंट लेवल आपके ऊपर की तरफ 13,800 का है, जहां 17 और 18 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पुट और कॉल दोनों में लगभग बराबरी का है, तो 13,800 के ऊपर आपको पहला मजबूती का संकेत आता हुआ दिखेगा, और 13,500 के नीचे नया कमजोरी का संकेत आता हुआ दिखेगा। ये 300 पॉइंट की रेंज वायदा कारोबार के डेटा में दिख रही, तो जो ज्यादा बहुत खास वाली बात है नहीं, अल्टीमेटली आज सब वेट एंड वॉच वाले मूड में ज्यादा होंगे, और जो होंगे भी कुछ और ट्रेडर्स ऐसे होंगे जो 11 बजे के पहले अपनी पोजीशन कम करना चाहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि, एक चीज मैं फिर बता दूं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप ये सोचे कि 11 के बाद ही एक्शन होगा, एक्शन कभी भी हो सकता है, और आखिरी 5 मिनटों में शुक्रवार को अगर आपने एक्शन देखा तो आपको समझ में आ गया एक्शन कभी भी किसी भी तरफ और कैसा हो सकता है, आप सोच नहीं सकते। 31,100 का बैंक निफ्टी अगर 30,500 आ जाए 600.6 मिनट में, तो इसका मतलब बजट को लेकर जिन लोगों की एक्सपेक्टेशन है, आई एम श्योर जिन लोगों ने शुक्रवार को दोपहर में 3:20 के बाद बेचा है, अगर आज उन्हें एसजेएक्स 50, 100, 150 पॉइंट ऊपर दिखा दे तो वो आज भी तैयार होंगे अनडाउटेडली। तो आपको हर तरह की तैयारी रखनी है, ऐसा नहीं सोचना कि वोलेटिलिटी सिर्फ बजट के बाद होगी, बजट के पहले भी हो सकती है, इसकी भी तैयारी रखनी चाहिए। ठीक है सर, तो बजट के पहले की भी वोलेटिलिटी हो सकती है और बजट के बाद तो ऑफकोर्स भरपूर एक्शन रहेगा। तो सर अब बजट की बात करते हैं, जो दूसरा पार्ट है, बजट क्या डायरेक्शन दिखा सकता है, क्या दिशा होगी? दीप मेरे को इस बजट में सबसे बढ़िया बात यह लग रही है कि यह मंडे को आ रहा है, तो आपको सैटरडे संडे पूरा काम करने का मौका मिलता है, पढ़ने का मौका मिलता है, रिसर्च करने का मौका मिलता है। फॉर्चुनेटली मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ हमारे दर्शकों को कि हम पिछले 3 बजट से लीडर हैं, आप सबका सबसे ज्यादा प्यार विश्वास हमें मिला है, लेकिन उसके बावजूद इस बजट में हमारी तैयारी सबसे बेहतरीन 100% वी आर बेस्ट प्रिपेयर्ड फॉर दिस बजट, और ये वीकेंड आने की वजह से और ज्यादा बेहतरीन तैयारी हुई, तो इस वीकेंड पे काफी कुछ पढ़कर समझकर ये सारी स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश की जो पिछले हम 3 हफ्तों से लगातार कर रहे हैं। कुछ चीजें जो समझ में आई है, जो मेरे सेंस में मुझे लग रहा है बजट में क्या होना चाहिए, पहली चीज बजट के डायरेक्शन के लिए आज से बात करते हैं। बजट का डायरेक्शन 2 चीजों पर होगा जी, पहला जो आपको कुछ चीज पसंद आएगी कुछ नहीं पसंद आएगी, कैसे? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको इस बजट में सबसे बढ़िया चीज दिखेगी कि लॉन्ग टर्म में ग्रोथ पर ओरिएंटेशन होगा, कि ग्रोथ कैसे बढ़ेगी इस पर फोकस होगा इस बजट का लॉन्ग टर्म में, लेकिन शॉर्ट टर्म में टैक्स पैसा कैसे बढ़े इस पर फोकस होगा जी। ये आपके लिए मतलब वो दोधारी तलवार है जिस पर वित्त मंत्री को चलना है, पैसा चाहिए अनडाउटेडली चाहिए, चाहिए। हालांकि आज ही जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े 1,25,00,000 करोड़ देखकर तो वित्त मंत्री जी, लेकिन चूंकि वित्त मंत्री जी बजट तो पहले छाप चुकी होंगी तो अब तो बदलने से रहा, तो सबसे बड़ी चीज ये कि लॉन्ग टर्म में ग्रोथ कैसे आए इस पर कंप्लीट फोकस होगा बजट का। तो बजट में आपको ये सारे शब्द सुनने को मिलेंगे, रिफॉर्म्स, अलोकेशन, एफडीआई, तो ये बहुत क्लियर है, लेकिन शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए और पैसे की कमी सरकार के पास है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, और स्पेशली पिछला साल खराब गया है कोविड की वजह से, तो कुछ बड़े टैक्सेस के लिए तैयार रहिए, वो टैक्सेस आपके किसी भी तरह के हो सकते हैं। तो ये तो पहली चीज ये है बजट पे। दूसरी चीज जिस पर मुझे लगता है पूरा बजट आधारित होगा और होना चाहिए, कैसे हिंदुस्तान दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए, कंपनियों के लिए एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर आ जाए और एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर आए, कि चाइना का
ऑल्टरनेट आपको हिंदुस्तान में, करेक्ट, तो पूरी तरह से बजट आप देखेगा इसके आसपास घूमेगा कि कैसे हिंदुस्तान चाइना का बड़ा ऑल्टरनेट बन सकता है। उसके लिए विदेशी पैसा लाने के लिए, विदेशी इन्वेस्टर्स को लाने के लिए, हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग बनाने के लिए, हब बनाने के लिए उस पर है। तो चाइना का ऑल्टरनेट हिंदुस्तान है, ये मैसेज देने की कोशिश आज सरकार पूरी दुनिया को करेगी। ओके, तो मुझे लगता है ये दो चीजें होनी चाहिए, एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ ओरिएंटेड, शॉर्ट टर्म टैक्स ओरिएंटेड, दूसरा हिंदुस्तान चाइना का सबसे बेस्ट विकल्प है, आइए पैसा लगाइए। ओके, ये दो चीजें आज के बजट में, ये डायरेक्शन है बजट का। समझ गए सर, तो ये बड़ी बातें होंगी, पर और भी कुछ पॉजिटिव आ सकते हैं इस बजट में आपकी कहां नजर? बहुत होंगे पॉजिटिव, और दीप पॉजिटिव के लिहाज से देखें तो सबसे पहला और सबसे बड़ा पॉजिटिव मेरे लिए जो बजट में रहेगा, मार्केट के लिए जो रहेगा, वो ये कि पूरा फोकस रिफॉर्म्स पर होगा जी, और साथ ही साथ ढेर सारे सेक्टर्स ऐसे होंगे जहां एफडीआई ओपन हो सकती है, कि आपको मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है, पैसा चाहिए, पैसा हमारे पास लिमिटेड है खर्च करने के लिए भी और एंटरप्रेन्योर्स को देने के लिए भी, तो फिर दूसरा बेस्ट ऑल्टरनेट है कि आप एफडीआई लाइए, एफडीआई के लिए लिमिट खोली जाएगी राइट लेफ्ट सेंटर, ओके, और तो एक आध सेक्टर में नहीं, कई सेक्टर्स में, और आप जो सोचते हैं उससे ज्यादा, अच्छा। इसकी पूरी पूरी संभावना है, वही तरीका है कि आप हिंदुस्तान में, क्योंकि अगर समझिए कोई एक ऑटो कंपनी है अंतर्राष्ट्रीय कंपनी, उसको हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो वो चाहेगी कि मैं हिंदुस्तान में पैसा भी लगाऊं जी और यहां पे करूं भी, तो अगर आप ये कहेंगे हमारी कंपनियों से लीजिए जी, लेकिन आपको पैसा लगाने की इजाजत लिमिटेड है तो वो काम बनेगा नहीं, तो दोनों साथ में चाहिए। इसलिए सबसे बड़ी चीज जो होगी वो कई सारे सेक्टर्स में, छोटे बड़े सेक्टर्स में एफडीआई खोलने का ऐलान हो सकते हैं, पहला। दूसरा, मेक इन इंडिया पर जबरदस्त फोकस होगा, है ही ऑलरेडी, और होगा, एमएसएमईज के लिए काफी कुछ ऐलान किए जाएंगे, ऐलान ढेर सारे होंगे ये मानकर चले, ढेर सारे होंगे, छोटे बड़े सारे होंगे, बहुत सारे होंगे, एमएसएमईज पर फोकस रहने वाला है। तीसरा, तीन चार सेक्टर ऐसे हैं जिस पर मुझे लगता है कि बहुत तगड़ा फोकस रहने वाला है, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के लिए एफडीआई खुलने की पूरी संभावना बनती है, 74% तक तो आराम से ले जाया जा सकता है, 49% अभी है। हेल्थ केयर सेक्टर पर अलोकेशन पक्का बढ़ेगा, क्योंकि आपने 2020 में सबसे बड़ा सबक यही सीखा कि आपको हेल्थ केयर पर खर्चा करना होगा। फार्मा सेक्टर के लिए रिसर्च आरएनडी वगैरह पर बड़ी छूट आ सकती है, तो ये तीन सेक्टर साफ तौर पर आज बजट में फोकस रहने वाला है, अपार्ट फ्रॉम रेगुलर एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर, वो तो है ही, वो तो उसमें नई बात नहीं है, लेकिन ये तीन सेक्टर। चौथा एक दीप जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिलेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर के बूस्ट को प्ले करने का सबसे बढ़िया तरीका है सीमेंट, ओके, क्योंकि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर में एलएनटी के अलावा आपके पास बहुत सारे स्टॉक्स होते नहीं, तो सीमेंट एक और दूसरा सेक्टर है जिस पर आपको फोकस रखना चाहिए। सरकारी बैंकों में एक्शन हो सकता है, बैड बैंक की बात चल रही है जी, मुझे लगता है बैड बैंक का जिक्र किया जाएगा, लेकिन वो सब नहीं होगा जो आप सुनना चाहते हैं, छोटे से अमाउंट के साथ बैड बैंक की शुरुआत होने की बात की जा सकती है, अच्छा। लेकिन फुल फ्लेज बड़ा बैड बैंक बन के आएगा, बड़ा पैसा डाला जाएगा, वो सरकार के पास उतनी जगह है नहीं पैसा डालने की, तो बात होगी, शुरुआत होगी, बड़ा नहीं होगा, छोटा मोटा एक्शन होगा, बट फाइनली आ सकता है, आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए सर। आपने कहा लॉन्ग टर्म गेन के लिए शॉर्ट टर्म पेन, तो दर्द कहां से आ सकता है? दर्द आ सकते हैं, और दीप एक नहीं कई दर्द आ सकते हैं, अच्छा। और इसकी तैयारी रखनी चाहिए। पहला तो ये कि जो लोग ज्यादा कमाते हैं, आई मीन 2020 के बाद भी ज्यादा कमा रहे हैं, बचे हैं कोई? हाँ बिल्कुल बचे, जीएसटी 1.25 करोड़ ऐसे ही थोड़ी आ रहा है, कोई तो खर्च कर रहा है, कोई तो कमा रहा है, तो वो तैयार है। अब वो कोविड सेल्स के नाम पर आता है, किसी और नाम पर आता है, देखिए ये सरकार मौका नहीं छोड़ेगी टैक्स बढ़ाने का, वैसे भी उन्होंने जब जब जहां जहां मौका मिला है सेस बड़ा बड़ा कर टैक्स बढ़ाए हैं, सही बात है, तो अभी तो गिवन है कि आप कोविड के नाम पर टैक्स ले ही सकते हैं जी, तो किसी न किसी तरह का टैक्स तो बढ़ेगा। 25-30 लाख रुपए से ज्यादा सालाना कमाई जिनकी है उन्हें तो तैयार रहना चाहिए टैक्स और देने के लिए। मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ, फाइनेंशियली तो नहीं, मेंटली तो जरूर प्रिपेयर्ड हूँ, क्या टैक्स देना है, माफ कीजिएगा। दूसरा, आपके हमारे जो सारे हमारे चहेते दर्शक हैं उनके लिए शायद बहुत अच्छी खबर ना आए बजट में, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स या किसी न किसी तरह से शेयर बाजार की कमाई पर वित्त मंत्री की नजर रहेगी, भले उन्हें बड़ा डाइवेस्टमेंट करना है, लेकिन उसके बावजूद इस बात की संभावना पूरी है कि कुछ न कुछ टैक्स आपको देना होगा, क्योंकि खासतौर से ना पिछले एक साल में हमारे नए अभिमन्यु और दुनिया भर के रॉबिनहुड बड़े उतरे हैं बाजार में, और उन्होंने सब शॉर्ट टर्म कमाई की, तो पूरी संभावना है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% से बढ़कर अगर 20% हो जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, तो वहां एक स्कोप है। और होता है ना, आप कमा रहे हैं तो देने में ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा आप ले जाइए वित्त मंत्री जी, दुखी मन से कहें, कमाई करके अगर टैक्स देना पड़े तो शायद उतना दुख नहीं होना चाहिए, लेकिन इसकी संभावना पूरी है, शेयर बाजार से कमाई जो हो रही है लोगों को उन पर टैक्स किसी न किसी तरह का बढ़ सकता है, हो सकता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15-20% हो जाए, इस बात की संभावना बनती है।
शायद इसलिए बाजार भी थोड़े हल्के हो गए। तो सर फिर ये बताइए कि अगर ये पॉजिटिव्स वैसे ज्यादा दिए हैं आपने, नेगेटिव्स तो कम ही हैं, पर जो भी आए बजट में उसके बाद क्या चाल रहेगी, क्या मौका मिलेगा इन्वेस्ट करने का? दीप देखिए बाजार कैसे पोजीशन है ये देखना जरूरी है। देखिए आप है ना 14,700 पर नहीं है, आप 13,700 पर है, बिल्कुल राइट, 1000 पॉइंट नीचे टॉप से जी। और ये 5 दिनों में ही हुआ जी, तो इस 5 दिनों में थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन ग्लोबल का है, थोड़ा हमारे बजट का है जी। तो हम हल्के हल्के हो चुके हैं थोड़े। पहली चीज जो आईवीज बता रही है, वोलेटिलिटी इंडेक्स जो बता रहा है, वो ये कह रहा है कि बजट के दिन का मूवमेंट 5 से 6% का निफ्टी पर होना चाहिए। इतना बड़ा स्विंग, हाँ 5 से 6, वो मार्केट मानकर चल रहा है रेंज कि भाई 5-6% ऊपर या 5-6% नीचे, ये रेंज हो सकती है बाजार की बजट के दिन के एक्शन के लिहाज से, जहां आप बंद हुए वहां से 5-6% ऊपर 5-6% नीचे। तो अब इस लिहाज से आपको प्ले करना है। अब मैं आपको बताऊं जो हमारा टॉप वाला फॉर्मूला भी जो हमने शो किया था उसके हिसाब से भी, और बाकी जो मैंने डेटा क्रंचिंग किए उस हिसाब से मेरे लिए लेवल्स बहुत साफ निकल कर आने लगे। कहां निफ्टी पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 13,250 13,325 ये पहला मजबूत सपोर्ट जोन है। अगर बजट बहुत खराब नहीं आया तो यहीं पर बाजार बेस बना देगा। ओके तो ये तो ज्यादा दूर नहीं है। नहीं जी, जो वॉलेटिलिटी आप बोल रहे सर, तो एक ही मोड पे तो 13,250 13,300 अच्छा है, ऐसे सोचने वाले लोग हैं कि ज्यादा दूर है। लेकिन रॉक बॉटम सपोर्ट जो मुझे दिखता है वो 12,925 से 13,050, तो ब्रॉडली में 13,000 टूटने की आशंका मुझे नहीं है। और 13,113 का लो बनाया था हमने, जब एक दिन 13,777 के हाई से एक ही दिन जो हम पीटे थे वो 13,113 लो था, 13,328 कुछ उस दिन का हमारा क्लोजिंग था। तो मुझे लगता है वो रेंज आपके लिए मजबूत सपोर्ट, और एक बार 14,753 से 13,100 के आसपास का करेक्शन, फुल करेक्शन 1500-1600 पॉइंट का कंफर्टेबल, और इस रेंज में बाजार आए तो लेना ही लेना है, लेना है 100% लेना है। वहां पर इफ बट मत कीजिए, इधर उधर दाएं बाएं मत देखिए, ये मत सोचिए कि और गिर जाएगा कि ये हो जाएगा, चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ जाए, चाहे किसी भी तरह का कोई भी टैक्स बढ़े, फिर भी आपको ये दो रेंज जो मैं दे रहा हूं, इस दो रेंज में पैसा लगाना ही है। कॉन्फिडेंट रहिए, डरिए मत, वहां लगाना है 100% ना आए तो बेहतर है लेकिन आए तो छोड़ना मत, जो जो आपके हाथ में है वो सोचिए, जो आपके हाथ में नहीं कि आएगा नहीं आएगा वो तो नहीं, अगर आ जाए तो ये वो रेंज है जहां पर आपको पैसा लगाना है। अंडरस्टूड, क्लियर कट, ठीक है। ओके अब ऊपर की रेंज बता दूं जी, 13,800-14,050 ये ऊपर का जोन है जहां तक जाने की कोशिश हो सकती है। बजट बहुत अच्छा है कि मतलब सब कुछ बढ़िया बढ़िया, और कोई खास टैक्स वैक्स ना बढ़ाया करे सरकार, ऐसा कि मतलब लिमिट में फिस्कल डेफिसिट वगैरह कोई लेकर भी कंफर्टेबल अगर रहे, तो फिर आपके लिए 14,125-14,250 फाइनल टारगेट, वहां पर अगर आ जाए तो बेच भी दीजिए, ठीक है, प्रॉफिट बुक करके एक बार फिर से इंतजार कीजिए। ओके ये सिंपल चीज है, ये बाजार का ब्रॉडली बजट के दिन का रेंज है। अंडरस्टूड। बैंक निफ्टी का इंसिडेंटली मुझे भी थोड़ा सरप्राइज हुआ जब डेटा क्रंचिंग करा, तो मूव उतना बड़ा नहीं दिख रहा जितना निफ्टी का दिख रहा है, तो बैंक निफ्टी मुझे सरप्राइज कर सकता है मूव के मामले में, लेकिन इसलिए नहीं दिख रहा कि बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली गिरा कम है, पिछले 2 दिनों से हरे निशान में बंद हो रहा है, ये ध्यान रहे। तो बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएट सपोर्ट जो है दीप, वो है 29,450-29,625, ये मजबूत सपोर्ट है बजट के दिन का, टूटना नहीं चाहिए। अगर टूटा तो भी फिर आपको जो 13 दिसंबर के आसपास, मुझे डेट याद नहीं है, लेकिन जब 13,113 निफ्टी हुआ था तब 29,200 की रेंज में बैंक निफ्टी पहुंचा था, वो आपका रॉक बॉटम सपोर्ट है। मुझे नहीं लगता कि बैंक निफ्टी 29,450-29,625 भी तोड़ना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद बजट का दिन है तो हर चीज के लिए क्या होगा, क्या कभी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ऐसे जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा, तो उसकी तैयारी आपकी रहनी चाहिए। ऊपर कितना जा सकते हैं, 31,175 ये वो रेंज है जहां बजट के वक्त एक बार जाने की कोशिश कर सकता है। इसके ऊपर का एक जोन और है 31,550-650। बैंक निफ्टी में पॉजिटिव सरप्राइज ऊपर की तरफ आ सकता है, अगर बजट अच्छा लगे तो हो सकता है ये ऊपर का जोन भी निकाल दे 31,550-31,650 का, लेकिन फिलहाल मेरे पास वो बड़े लेवल्स निकल कर नहीं आ रहे, इसलिए मैंने ये लेवल्स लिखे, तो ये आप ब्रॉडली मानकर चलिए, ठीक है। सर यहाँ पर भी कोई है पैसा लगाने का मौका, कोई रेंज जो बैंक जो सपोर्ट रेंज है 100% लगाना ही लगाना है। अब कितना लगाना है वो अलग बात है, कितना लगाना है उसका भी जवाब दे दूं, या आपके रिस्क एपेटाइट पर डिपेंड करता है आप कितना लगाते हैं, लेकिन मेरा ये समझना है कि फर्स्ट रेंज पर 25%, सेकंड रेंज पर 50%, 75% इन्वेस्ट कर दीजिए आपके पास जो भी कैश है, 25% रहने दीजिए, कि वो 25% किसके लिए, बजट के लिए नहीं ना,
डाउ के लिए, डाउ के लिए। क्योंकि कल के बाद फिर से डाउ देखना है और पिछले कुछ दिनों में डाउ की भी सेहत बिगड़ी है, थोड़ा मामला ठीक नहीं है, तो इसलिए डाउ के लिए 25% बचा कर रखें। अल्टीमेटली ग्लोबल भी है, हो सकता है अगले 5-7 दिन में थोड़ा और मौका मिले, तो मुझे लगता है कि ये 3 लेवल्स हैं जहां पर आपको पैसा लगाना है। ठीक है, तो मौके का इंतजार करें, लेवल्स आपको मिलेंगे, वहां पर पैसा लगाना है। कहां लगाना है पैसा ये तो बताइए। पहले सेक्टर्स बता दूं, इंश्योरेंस कंपनियां, चाहे जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हो, और अगर FDI आ गया, बढ़ गया 49% से 74% इंश्योरेंस कंपनियां, ये ब्लाइंड बाय है, आज नहीं, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, ये सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो ऐसी वेल्थ क्रिएट करेंगे जैसे किसी जमाने में IT कंपनी ने की थी। ये IT कंपनी वाली वेल्थ आपकी इंश्योरेंस कंपनी में बनेगी। तो आज अगर बाजार खराब हो और अगर FDI ना आए, ना बढ़े, तब भी लगाना है। और आ जाए तो कहना ही क्या। ठीक है, तो एक ये है, बहुत क्लियर कट। दूसरा, फार्मा कंपनी, यहां पर पैसा लगाना है। अगर बजट से पहले, बजट के दौरान फार्मा स्टॉक्स गिरते हैं और अगर R&D का डिडक्शन और बढ़कर आ जाए, कहना ही क्या। तीसरा, फार्मा के साथ API भी, चूर्ण बनाने वाली कंपनियां वो भी हैं। चौथा, हॉस्पिटल स्टॉक्स, हेल्थ केयर पर पक्का फोकस रहेगा और इस बार हॉस्पिटल्स की और स्पेशली प्राइवेट हॉस्पिटल्स की इंपॉर्टेंस सरकार को पता चल गई है जी। तो वहां पर और इन्वेस्टमेंट आए, बढ़िया हेल्थ केयर फैसिलिटीज बने, क्योंकि सरकार के पास वो लेग रूम है ही नहीं कि वो सारी जगह हॉस्पिटल्स वही पहुंचा सके, प्राइवेट सेक्टर को आपको हॉस्पिटल्स में लाना ही पड़ेगा जी। तो ये एक और सेक्टर होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर पुश रहेगा, फोकस रहेगा, और उसको खेलने का सबसे बढ़िया तरीका है सीमेंट स्टॉक्स। सीमेंट स्टॉक्स महंगे हैं, महंगे थे, महंगे रहेंगे, ये होने की उम्मीद ना करें। गडकरी साहब ने अपनी पूरी कोशिश की है, उनके बोलने पे आते हैं 25-50 ऊपर, वापस 100 बढ़ जाते हैं, वो वाला हाल है। कमा रहे हैं कंपनियां, आदि के सेल के रिजल्ट देखिए, क्या कमाल कर, कंपनियां कमा रही तो आप क्या करेंगे, तो वो वाला चीज है। तो सीमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए, ये सारे सेक्टर्स हैं, ये तो सेक्टर्स रहे, कुछ इनमें नाम भी बता दीजिए सर, जो आपकी बकेट खरीदारी की लिस्ट होनी चाहिए। मैं आपको 5-6 नाम देता हूं, इनको आपको जब जहां जैसे अच्छा लगे एंट्री कर लीजिए। पहला ITC, अगर ITC के लिए सिगरेट पर टैक्स बढ़कर आए तो जितना गिरे वहां खरीद लीजिए, ना बढ़ के आए तब भी खरीद लीजिए। ये बाय है, ITC बजट के दिन बेस्ट बाय है। ये कॉन्ट्रा बेट है, कोई नहीं खरीदना चाहता, मैं खरीदना चाहता, गिरे तो अच्छा है। और मेरे लिए ये साल का स्टॉक है 2021, ये तो आपने बताया, मेरा 2021 का स्टॉक है L&T, दूसरा स्टॉक है, और आपने शॉर्ट कॉल दिया क्या? नहीं, ठीक है, एक मात्र सेल कॉल जो है जी, वो बजट के दिन काफी वॉलेटाइल रहता है, इस वजह से मेरे सेल कॉल। बिल्कुल ठीक बात है, ट्रेडिंग वाली बात अलग है, इन्वेस्टमेंट वाली बात अलग है, लेकिन ITC और L&T दो बेस्ट प्ले अगर बजट के दिन बाजार गिरा। तीसरा प्ले मेरे लिए BSE है, हो सकता है अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़े या हो सकता है किसी तरह की और टैक्स लगाने की कोशिश करते, एक्सचेंजेस पर, डिपोजिटरी पर, म्यूचुअल फंड पर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, तभी आपको खरीदना है। तो BSE मेरी बकेट लिस्ट में, DLF और अल्ट्राटेक, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट को प्ले करने के लिए दो स्टॉक मेरे पास है, और एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया BPCL है। BPCL, सरकार के दिमाग में, बजट के वक्त वित्त मंत्री के दिमाग में कहीं कहीं बैक ऑफ द माइंड पक्का रहेगा कि मुझे BPCL का डाइवेस्टमेंट करना है, मेरा बजट ऐसा ना हो कि मेरा BPCL का डाइवेस्टमेंट मार्च के पहले न हो पाए, ये ध्यान में रखिएगा। आप उनका दिमाग पढ़िए, उनके दिमाग में ये जरूर होगा, इसलिए BPCL अगर गिरे आज तो वहां पर भी फोकस होगा। चलिए, तो ये तो आपके लिए कुछ दमदार आइडियाज हैं जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। एक चीज और बताना चाहता हूं दीपक, कि ये तो मैंने स्टॉक्स तो बता दिया, लेकिन पैसा लगाना कैसे, इसके 3 तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका, जो सारे अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स, जरूर नहीं आप ये 5-6, आपको जो पसंद आए खरीदिए, ढेर सारी लिस्ट है और इस मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स हैं। तो जो तरीके हैं, 3 तरीके हैं मेरे लिए पैसा लगाने के। पहला, आप साइजेबल मनी, बड़ा पैसा डायरेक्टली स्टॉक्स में लगाएं, बिल्कुल सीधा सीधा मार्केट। हाँ, आज बाजार गिरे तो आप ये मान के चलिए कि जिस दिन का आपको इंतजार था वो दिन आ जाए, ये मान के चलिए। बजट में टैक्स बढ़ने की वजह से, एक ही वजह से गिर सकता है, कोई टैक्स वैक्स बढ़ गया कर गया तो, उसके अलावा कोई रीजन नहीं है। आप मान के चलिए कि मेरे लिए पैसा लगाने का मौका है, तो पहला, अगर गिरे डायरेक्टली अच्छे स्टॉक्स खरीदिए, आप अपनी लिस्ट पहले से बना के रखिए आपको जो पसंद आए। दूसरा, आप चाहे तो अच्छे डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स में लगाइए, जो म्यूचुअल फंड की अलग अलग स्कीम होती है, लार्ज कैप की होती है, मिड कैप की होती है, स्मॉल कैप की होती है। मैं कह रहा हूं आप डाइवर्सिफाइड, जिनमें सब तरह का एसेट एलोकेशन है, सिर्फ लार्ज कैप, सिर्फ मिड कैप, सिर्फ स्मॉल कैप में नहीं लगाना, डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड स्कीम्स में लगाना, हर फंड की होती है, तो आप उसमें लगाइए जिसमें पोर्टफोलियो में आपके मिड, स्मॉल, लार्ज कैप सब है, क्योंकि आपको नहीं पता बजट के बाद क्या चलेगा जी।
इसलिए आपको डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में लगाना, हर फंड की स्कीम है, आपको जो पसंद आए उसमें लगाइए। और तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है दीप, के अगर बाजार बजट के दौरान जोर से गिरा, पता चला कि 3:30 बजे तक रिकवर भी हो गया या बॉटम से काफी ऊपर आ गया, तो आप मिस भी कर सकते हैं जी। उसका एक ही तरीका है, सीधे एक्सचेंज पे ETFs खरीद लिए या निफ्टी के फ्यूचर्स खरीद लिए, सेंसेक्स के फ्यूचर्स खरीद लिए, जो आपको ठीक लगे, ताकि आपकी एंट्री हो गई जी, जो बॉटम लेवल्स दिए वहां पर एंट्री हो जानी चाहिए, एंट्री हो जानी चाहिए, एंट्री हो जानी चाहिए। और एक और चीज, अगर आपने एंट्री कर ली उसके बाद 150-200 और गिर गया, तो ऐसा मतलब मातम न मनाए, ये सोचे कोई बात नहीं और गिर, हाँ अल्टीमेटली फिर कह दूं, मंदी टेम्पररी है, तेजी परमानेंट है, इंसान हो या निफ्टी अंत में जाना जाना तो ऊपर ही बस, तो इसलिए कॉन्फिडेंस रखकर पैसा लगाएं, मौका मिले छोड़ना मत।